मोनू, ये तू पानी की बोतल क्यों लेके आया यार? गर्मी में तो कभी पानी की बोतल तू लेके नहीं आया, और इन सर्दियों में पानी लेकर आया है। सलोखन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज आएगा रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट। हाँ पता है, तो रिजल्ट में पानी का क्या काम? क्या पता, रिजल्ट को देखकर कुछ लोग बेहोश हो जाएं। उनको होश में लाने के लिए लाया हूँ पानी। कुछ लोग चक्कर खा के गिरेंगे, उनके लिए लाया हूँ पानी। रिजल्ट का नाम सुनकर कुछ लोगों का तो गला सूखने लगा है, उनके लिए लाया हूँ पानी। कुछ लोगों के इतने ज्यादा गंदे नंबर आएंगे ना कि उनको चुल्लू पर पानी दूंगा डूब मरने के लिए। मैं तुम्हें जल दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, जल ही कल है। गुड मॉर्निंग सर। सब खड़े रहो। तुम लोगों से जो भी उम्मीद थी सब टूट चुकी है। तुम लोगों के लिए तो डंडा लेके आया हूँ, वो भी कड़वा तेल लगा के। आज घर जाते समय देखना किसका क्या क्या सूझा रहता है। क्या हो गया सर, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? तुम सब लोगों ने गलती नहीं किया है, पाप किया है, महापाप। मेरे सब्जेक्ट में इतने गंदे नंबर है तुम्हारे कि मन करता है ना कि एक एक की मार मार कर खाल निकाल दूं। बैठो सब, जिस जिसको बुलाया जाएगा वही आएगा अपना पेपर लेने। शर्म करो सबके सब, शर्म करो। कभी सोचे हो कि दसवीं के बाद क्या करोगे? दसवीं के बाद ग्यारहवीं करेंगे, उसके बाद फिर बारहवीं करेंगे। इतना तेज कंटाप मारूंगा ना कि तेरे घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे, गधा कहीं का। अगर मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो लाइन लगवा कर एक तरफ से सबको मारूंगा। अब सब बिल्कुल शांत रहना, चला जा रे पप्पू, आ गया है तेरा ही पेपर सबसे ऊपर, आ जा। जी सर, सब ठीक ठाक है। तू ये बता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर? सर पता नहीं। पेपर में आए हैं तेरे जीरो नंबर। क्या ऐसा नहीं हो सकता सर? क्या नहीं, आ जा इधर, आ टेबल पे लेट जा, आ जा। लेट जाऊं मतलब? जल्दी लेट टेबल पर। जी लेट गया मैं। ये ले पढ़ लिया करो थोड़ा, जब पढ़ाता हूँ तो कुछ समझ लिया करो, पढ़ लिया करो। सर, ये सर, ले, ये ले, सर, ये ले, पढ़ूंगा, पढ़ने वाला नाम लगता नहीं है, ले, ले, सर, सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सर, सर, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दो सर, छोड़ दो, छोड़ दो सर, छोड़ दो, नहीं तो मर जाऊंगा सर मैं, छोड़ दो, छोड़ दो सर, छोड़ दो। चल भाग, जाकर अपनी सीट पर बैठ और कल पेपर में अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के लेके आना। चल भाग, भाग यहाँ से, भाग। हाँ तो सभी बच्चों तैयार हो जाओ मार खाने के लिए इसी तरह, और जो पेपर मिलेगा उस पे अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के लाना है सभी को। पेपर में अगर चेक करने में कोई गलती हो गई है तो अभी सही करवा सकते हो, टाइम है तुम लोगों के पास। ये ले राजू, अपना पेपर पकड़। अरे यार राजू भाई, तू रो मत यार, क्यों रो रहा है तू? अगली बार तू जरूर पास होगा यार, तुझे देख के मेरे को भी रोना आ रहा है भाई। चुप हो जा यार, भाई प्लीज यार चुप हो जा यार, मेरे से तो देखा नहीं जा रहा है यार। अरे यार, ये हमारे क्लास को किसकी नजर लग गई है? चारों तरफ रोते चेहरे, उदास मुंह, मातम सा लग रहा है यार पूरे क्लास में। अरे भाई रो मत यार, प्लीज भाई रो मत यार, सब सही हो जाएगा यार। सबका बुरा समय आता है, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, 15-15 लाख सबको मिलेंगे। अरे भाई गोलू भाई, मैं रो नहीं रहा हूँ यार, ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। तो क्या बोल रहा है यार, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया रिजल्ट देख के मेरे भाई? क्या हुआ तुझे, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? नहीं यार, ये सच में खुशी के आंसू है यार। पिछली बार मेरे पेपर में 5 नंबर आए थे और इस बार मेरे 10 नंबर आए हैं, कुछ तरक्की हुआ है मेरे भाई, ये खुशी के आंसू है मेरे। सच में तू पागल हो गया मेरे भाई, 10 नंबर पे कौन खुश होता है? तू घर पे जाके अपना इलाज करवा मेरे भाई, मुझसे देखा नहीं जा रहा है तेरा ये हाल। ये ले रे, अपना पेपर ले। आए रे बाप रे, 90 नंबर मेरा आ गया, 90। देखो रे देखो सब, देख भाई देख, तू भी देख, 90 नंबर मेरे आए हैं, 90। क्या यार तुम लोगों में से कोई सोच भी सकता है इतना ज्यादा नंबर लाने के लिए? मेरे आसपास भी कोई आ सकता है बताओ तुम लोगों में से? देखो मेरे नंबर तो देखो एक बार। ओए ओए ओए, पहले अपना पेपर सीधा तो पकड़ फिर खुश होना। क्या यार 6 नंबर, इतने कम नंबर मेरे। 5 नंबर तो नाम लिखने के ही मिल जाते हैं, इसका मतलब कि तू सिर्फ 1 नंबर का पेपर करके आया था और खुश इतना हो रहा था, क्या बताऊं तुम लोगों को। शांति बनाए रखें, मुझे पेपर बांटने दो, हल्ला मत मचाओ क्लास में, अभी बताता हूँ तुम लोगों को, परेशान मत हो। ये ले रे मोनू, अपना पेपर पकड़।
ओए मोनू, पेपर तो दिखा यार, कितने नंबर आए हैं तेरे। मुझे नहीं जानना है कि मेरे कितने नंबर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पेपर में नंबर की वजह से मेरा मूड ऑफ हो। चल ठीक है, तेरी बात भी सही है, पर ये तो देख ले कि तू फेल है कि पास। कुछ भी हो जाए, आज मैं नहीं देखूंगा पेपर। नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं आज अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ बस। ये मेरी इज्जत का सवाल है, ये पेपर नहीं है, ये मेरी इज्जत है। ओ मोनू भाई, तेरी इज्जत तो नीचे गिरी पड़ी है। 15 नंबर आए हैं, फेल है, फेल है, फेल। उठा ले अपनी इज्जत जल्दी से, बचा ले। क्या यार, तुम लोगों से मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती है। अरे यार समोखन भाई, उठाना पेपर। अब देख ही लिया हूँ तो पूरा पेपर ध्यान से चेक करूंगा। कहाँ नंबर मेरा कटा है, कहाँ पे सबने मेरा नंबर काटा है, क्यों काटा है, अच्छी तरह से चेक करूंगा। इतने कम नंबर, इतना नंबर तो मेरा आ ही नहीं सकता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं पहले एक बार इसको चेक करूंगा। सर जी जल्दी आइए जी, जल्दी आइए, बहुत जल्दी आइए, बहुत जल्दी, जल्दी इसी समय आइए। हाँ बोल, क्यों गला फाड़ रहा है, क्या हो गया? सर जी ये देखिए, आपने मेरा आंसर गलत कर दिया है। और ये देखिए मेरा नोट, मेरा ये वाला आंसर सही था। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए सर, देखिए, बिल्कुल देखिए, यही नोट देखकर तो इसने पेपर दिया है। क्या क्या बोल रहा है यार तू सुमोखन? मतलब सर, यही नोट से याद करके मोनू ने पेपर दिया है जी, इसीलिए बोल रहा हूँ, यही नोट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये क्या रे, ये देख, ये भी गलत है। तेरे 15 नहीं, 13 नंबर होना चाहिए। ये भी गलत है तेरा, ये देख, तेरे 13 नहीं, 11 नंबर होने चाहिए। और ये देख, ये वाला भी गलत है तेरा, तेरे 11 नहीं, तेरे 9 नंबर होने चाहिए। बस सर बस, रहने दीजिए रहने दीजिए, ये मेरा नोट ही गलत है, रहने दीजिए सर, आपने जो नंबर दिया सही है, और मेरे को नहीं बढ़वाना है, रहने दीजिए सर। मेरा जितना भी नंबर है मैं उसी में खुश हूँ, नहीं बढ़वाना है मेरे को नंबर, रहने दीजिए आप। अरे जितना नंबर तेरा आया है ना, वो भी तो 0 के बराबर ही है, फेल है तू वैसे भी। बैठ अपनी जगह पे ढंग से, कुछ देर बाद ना जब अभी डंडा पड़ेगा तब तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये ले रे गंजे, अपना पेपर पकड़। पता था मुझे, पहले से ही पता था इतने ही नंबर आएंगे मेरे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये ले रे समोखन, पकड़ अपना पेपर। ये क्या, मेरे 11 नंबर? पेपर सीधा करके देख, कहीं उल्टा तो नहीं लिया है तू? अबे उल्टा करूं चाहे ये सीधा, ये 11 ही रहेंगे, नहीं बदलने वाले ये नंबर। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बको, क्या बकना चाहते हो? सर मैंने इस एग्जाम के लिए बहुत तैयारी की है, इसी पेपर के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया था, इसी पेपर की तैयारी के लिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, इसी पेपर के लिए मैं कई दिनों तक नहाया नहीं था, यहाँ तक कि लैट्रिन भी नहीं गया था, सिर्फ तैयारी करता रहा तैयारी, और आपने एक झटके में फेल कर दिया मुझे। मेरी वो सब कुर्बानियाँ और दिन रात की मेहनत आपको दिखाई नहीं दिया? आपको थोड़ा भी तरस नहीं आया मुझ गरीब पर? बड़ा दर्दीला मजाक था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए तेरे झूठ को सुनकर। अब मैं तेरे को बस यही कहूँगा कि थोड़ी और मेहनत कर ले मार खाने के लिए। बेवकूफ कहीं का, मेरे को बकलोल समझता है क्या, जो तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। अभी तो शांति से बैठ, सबकी बारी आने दे, फिर बताता हूँ तुम लोगों को। बैठ अभी 2 मिनट तो। ये ले रे गोलू, और तू भी तैयार हो जा। 6.5 नंबर, 6.5 नंबर। मेरे को पहले से ही पता था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मेरी 2-3 दिन पहले से ही ये दोनों आंखें बहुत तेज फड़क रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया, इसीलिए मेरी आंखें फड़क रही थी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सभी बच्चों को पेपर मिल चुका है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहावत तो तुम लोगों ने सुनी ही होगी, जिन जिन बच्चों के 33 नंबर से कम आए हैं, यानी कि जो जो बच्चा फेल है वो बच्चे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। अब सभी बच्चे लाइन बना लें और एक एक करके इस टेबल पर आके लेटें। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सभी लोग शांति बनाए रखें, सबकी बारी आएगी, परेशान मत हो, सबकी बारी आएगी। अरे यार समोखन समोखन सुन, हम लोग पीछे रहते हैं यार, क्योंकि सर तब तक मारते मारते थक जाएंगे तो हम लोग को कम मार पड़ेगा। चल पीछे चलते हैं, चल चल चल। सही बोला यार, चल तू मेरे पीछे रहना। ठीक है चल। पीछे से शुरू करता हूँ, इधर काफी जगह पड़ा है। आ जा रे मनु, तू पहले आ, पहले लेट टेबल पे लेट। हे भगवान, किसका मुँह देख के आया था मैं, क्या होगा मेरा, क्या होगा।